Yeah, regarding of the non-implementation of construction of individual household toilet, Itanagar Narlogan under the South Bharat Abhiyan ka iska jo scheme ka bare mein. Paisa jo ye release kar diya the under the Swachh Bharat Abhiyan ka mission ka under mein, usme 2000 आप लोग यहाँ में देखिए ये पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज करा दिया था 2015 में नवंबर माउंट में पैसा जो रिलीज हो चुका था. तो इसके बाद में यहाँ में ये लास्ट पेज में आप लोग देखिए ये यूडी डिपार्टमेंट ने हमारा जो ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल को पैसा 2 करोड़ 67 लाख 30,651 पैसा जो पैसा जो रिलीज किया था वो जो ईटानगर इन नाहरलगुन वहाँ ईटानगर नाहरलगुन में टोटल बेनिफिशियरी लगभग 20,000 एवास है. तो ये पैसा जो 2000 ये आप लोग देखे 2015 का दिसंबर 24 में पैसा जो ईटानगर म्युनिसिपल को रिलीज करा दिया था. तो रिलीज करने के बाद ये एक तो यहाँ में सेकंड फेज एप्लीकेशन का बाद यहाँ देखिए नोटिस बोर्ड ये एक तो नोटिस मीटिंग एक था यहाँ में ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल से एक तो हमारा ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर पास किया ये स्वच्छ भारत अभियान का ये जो पैसा का बारे में ये करने के लिए बात करने के लिए. तो उसमें भी वो लोग का कितना मीटिंग हो गया था 8 जनवरी 2016 यानी कि आपका ये अभी 3.5 ईयर्स 3 साल अदा होने जा रहा है ये पैसा को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया. जो हमारा जो ये जिसको मिलना था पैसा इनको आज तक नहीं दिया है. इसका लिए हम कल गवर्नर साहब को हम जाके ये चीज़ को ये रिगार्डिंग ऑफ द एंड इंडिविजुअल हाउस टॉयलेट को अभी तक नॉन इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं किया है. इसका वजह से हम कल डिस्कस किया है पॉजिटिव ये लिया है. 3 साल में पैसा जो एक बेनिफिशियरी का 4,800 पर बेनिफिशियरी का था. 4,800 को हम कितना बार आपका आप लोग का यहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कितना बार बोल चुका है. सरकार को भी हम आगे जो जाने वाला सरकार को भी हम इतना बार अपील किया है और ये कहीं किसी का सरकार को प्रणाम करने जागा नहीं है. क्यों पैसा जो सरकार ने रिलीज कर दिया था ईटानगर ये म्युनिसिपल काउंसिल को 24 दिसंबर 2015 में रिलीज किया था लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करके हुए यानी यूसी समेत के ये यूटिलाइजेशन सर्फ के समेत के लास्ट पेज में देखिए यूटिलाइजेशन सर्फ के यानी समेत किया है यानी अब जो हम इनको पूछना चाहता है ये ऑफिसर को मैं इसको पूछना चाहता है कि आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट को आज तक इम्प्लीमेंट किया है ना नहीं किया आप नहीं करके यूसी कैसे दे सकता है. वो पैसा कौन से जगह में है अभी ये पैसा अभी ना हवा होके डुली होके उड़ के चला गया है ना दिक्रम नदी ले गए क्या. यूसी समिट मीन्स आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समिट मीन्स है आपका पैसा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया सब कुछ हो गया बेनिफिशियरी को मिल गया ऐसे बोल के तो यूसी समिट किया है ना. एसआईटी वो लोग को ये होना चाहिए एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. म्युनिसिपल में पूरा गुतला है आगे से हम बोलते आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अभी कम से कम 10 टाइम्स हो गया हम बोलते आ रहा है कि म्युनिसिपल में ठीक नहीं है वहाँ में घोटाला चल रहा है. तो 20,000 बेनिफिशियरी ईटानगर नारलोन बंडरद्वा चंपू का ये लोग का जवाब देना चाहिए और
और वो लोग को सस्पेंड इमीडिएट इंक्वायरी से पहले सस्पेंड करके इसका बाद इंक्वायरी डालना चाहिए ये लोग को ऊपर में, SIT डालना चाहिए, CBI डालना चाहिए। इंडिविजुअल हाउस होल्ड टोलेस में ना मेरा पास में नाम ले से ना मैं हम यहाँ से एक रुपया मिलेगा। हम जो बोल रहे हैं, हम जो लग रहा है, मेरा जनता का, मेरा गरीब आदमी को जो जिसका पास लिटरिंग बाथरूम टॉयलेट नहीं मिला है, इनको मिलने देना चाहिए था। ईटानगर में, ईटानगर स्पेशल 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी नेता लोग को मैं वही अपील करना भी चाहता है, आप सड़क में उतरना है, ये दुन के ऐसे वाला चीज को दुन के आप कम से पब्लिक का सेवा इसको कर देना चाहिए था। इतना फॉर्मर काउंसिलर लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करने चाहता हूँ, सब लोग आप हम लोग सब मिलके एक साथ इसको लगना चाहिए, ये हमारा आज का एजेंडा है। हमको ये भी नहीं है इंडिविजुअल, मेरा तो जैसे कि हमको कुछ नहीं दिया है, हमको ये नहीं दिया है, मेरा सवाल नहीं है। काउंसिलर आप भी एम्बलॉप करते हैं, आप भी जाना पड़ेगा। डिप्टी आप भी एम्बलॉप करते हैं, AC मेंबर वहाँ में 127 काउंसिलर एम्बलॉप नहीं होगा, 7 जो काउंसिलर होता है, चीफ काउंसिलर, डिप्टी काउंसिलर, AC मेंबर पास होता है, ये 7 आदमी डिसीजन मेकिंग होता है, मीटिंग को वो लोग करता है, बाकी काउंसिलर 23 काउंसिलर तो अनजान में बैठ जाता है, कुछ भी पता होता नहीं होता है। तो इसलिए अगर जो भी ये लीडर हमारा जो काउंसिलर प्रेफरेंस लोग भी इसको एम्बलॉप किया है तो कुछ भी किया है तो वो भी जेल जाना पड़ेगा, इसको भी ये करना पड़ेगा, नेसेसरी एक्शन तो लेना पड़ेगा। ये है तो वह लीडर है बोल के इसको तो छोड़ना तो नहीं है, अगर हम भी गलती है तो हमको भी जेल ले जाना है, हम भी ये मानना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को तो सब मानना पड़ेगा। ये आपको क्या लगता है बाकी काउंसिलर कर सकता है? ये हम नहीं करेगा, हम बॉक्सिंग मार के नहीं करेगा, ये पेपर डॉक्यूमेंट करेगा, लॉ करेगा, एवरीथिंग हम लोग का ये करेगा। इसके बाद आजकल तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अगर हम तो बुलाए ना 10 डेज अंदर में अगर नहीं करेगा तो PL डायल करेगा और इंटीरियर 5 साल का पैसा मिस यूज पैसा को PL कराएगा, इसके बाद CBI आने देगा। स्टेट गवर्नमेंट